आप सब लोग प्लीज परेशान मत होइए। मैं आप जेल से बाहर आ गया हूं और आप सबके साथ अपने घर पे हूं। अब मुझे ठीक से समझ आएगा कि मुझे आगे क्या करना है और क्या सोचना है। और ये सब जो हो रहा है ना मेरे खिलाफ, ये जो मुझ पर इल्जाम लग रहे हैं, ये जो आप सबने सहा है, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, जो इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, आई स्वेयर मैं सब गलत साबित कर दूंगा। है ना डैड? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दादू आप प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज परेशान मत रहिए, प्लीज। ऑफ कोर्स बेटे, तो मेरा बहादुर बेटा है, सब ठीक कर देगा, मुझे पता है। एक बात याद रखना आरवी, तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तेरा बुरा हो ही नहीं सकता है। हम सब जानते हैं ये जितने भी झूठे इल्जाम तेरे ऊपर लगे हैं ना, तू देखना ये सब धीरे धीरे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका नामो निशान नहीं रहेगा पुत्र। सच जो होता है ना वो लंबे समय तक छुपाए नहीं जा सकता है, वो सामने आ ही जाता है। यार भी गॉड इज विद यू, हम सब तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा तुझे। आरवी बाहर की दुनिया कुछ भी बोले ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रख, कुछ भी हो जाए हम सब तेरे साथ हैं। और तू अकेला नहीं, हम सब मिलकर सब ठीक करेंगे, क्योंकि हमें अपने आरवी पर पूरा भरोसा है। सच के लिए हम सब लड़ेंगे, तुझे घबराना नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। ओके हाँ भाई, रब तुझे हिम्मत दे पुत्र। तू देख हम सब का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, और सबसे बड़ी बात है पूर्वी का साथ है तेरे पास, यानी कि रब की दुआ, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी ग्रेस तेरे साथ है। पूर्वी तो एंजल है, एंजल फरिश्ता बन के आई है तेरी जिंदगी में। और पंडित जी ने भी कहा था ना बाबूजी, हाँ, कि ये बच्ची तो इसकी ढाल, इसका रक्षा कवच है पूर्वी। बिल्कुल चिंता मत करो, हाँ, टेंशन नहीं लेना आरवी। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि तू घर आ गया है, हम सबके साथ है, और क्या चाहिए हमें। पर आगे जो होगा ना उसे भी हम देख लेंगे। हाँ तुम दोनों जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ और कुछ खा पी लो। ओके आओ बाबू जी। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, क्यों? पता नहीं। पता नहीं मतलब कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? तुम बार बार पूछोगे, मैं यही बोलूंगी मुझे नहीं पता। तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। खुद का तो ध्यान रख लो।